हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ 3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है जेस्चर नेविगेशन सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये जेस्चर नेविगेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे सिस्टम का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, इसे सेलेक्ट करना है। अभी आप ये आपका ओपन होगा ये सिस्टम नेविगेशन का, इसमें आपको नीचे की साइड में ये आपको जेस्चर नेविगेशन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जेस्चर नेविगेशन के सामने एक सर्कल दे रखा है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी सेटिंग ऑन हो जाएगी जेस्चर नेविगेशन। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे आप तीन बटन देख रहे हैं, ये तीन बटन यहाँ से गायब हो जाएंगे जब मैं सेटिंग को ऑन करूंगा। तो ये सर्कल पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है इस ब्लू कलर का टिक मार्क लग गया है और यहाँ से मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे से तीन बटन यहाँ से गायब हो गए हैं। अब दोस्तों इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका हमारा फर्क जो है ना, इस सेटिंग का फर्क जो है, इफेक्ट जो हमारे मोबाइल फोन की सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि हमारे तीन बटन यहाँ से गायब हो गए। तो अब हम अपने फोन को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको लेफ्ट साइड पे मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड पे आपको इसे इस तरीके से करना है और उंगली को छोड़ देना है, तो आपका फोन बैक पेज पे जाएगा। इसी तरीके से आप मोबाइल फोन के राइट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, बैक पेज पे कर सकते हैं। अगर आपको आगे पेज पे जाना है तो आप किसी भी ऑप्शन को टैप करेंगे वो तो आगे पेज पे चला ही जाएगा। अगर आपको फोन को ओवरव्यू करना है तो आपको मोबाइल फोन के सबसे नीचे बीचों बीच से ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, इस पे से आपको जो है ना यहाँ से टैप करके इसे ऊपर करना है, तो आपका फोन इस तरीके से ओवरव्यू हो जाएगा। तो ये जेस्चर नेविगेशन सेटिंग ऐसे काम करेगी, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को यहाँ पर ना फिर से ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सिस्टम नेविगेशन आपको टाइप करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा सिस्टम नेविगेशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। इस सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।